ये ट्वीट देखने के बाद तो यार ब्रे वाइट के इमोशंस नजर आ रहे हैं भाई। यार मतलब मुझे खुद को बुरा लग रहा है यार, जल्दी से आ जाओ भाई ब्रे वाइट। वेल तो ही गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के होने वाले स्मैकडाउन के बारे में। तो कल के स्मैकडाउन में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, एंड प्लस कल हमें लाइव क्राउड्स देखने को मिलने वाले, सो भी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग की तरफ चलते हैं। वेल फर्स्ट थिंग जो कि तुम लोग को बता दूँ कि मैच अनाउंस है जो कि कॉर्मेला वर्सेस जो कि हमें देखने को मिलेगा बियांका बेलेयर के बीच में, और ये होगा स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच, जो कि ओवरऑल थोड़ा अच्छा खासा ही रहेगा देखने में। वैसे तो रेस्लिंग में कुछ उतना खासा देखने को नहीं मिलेगा। वेल देखना रहेगा बस बेसिकली इसमें क्या देखने को मिलता है, रिजल्ट क्या होता है, एंड आई थिंक यहाँ पे बियांका बेलेयर जीत जाएंगे एंड अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगी। सो वेल ये मतलब मैच ऑफिशियली अनाउंस है। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि फैटल फोर वे अनाउंस है कल के स्मैकडाउन के लिए, एंड ये फैटल फोर वे जो कि होगा सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस बिग ई के बीच में। सो ये बेसिकली बहुत ही अच्छा खासा मैच हमें जो कि अनाउंस होते हुए दिखाई दिया है, और ये फैटल फोर वे बहुत ही अच्छा खासा मैच हमें देखने को मिलेगा जहां पे केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस एंड इसके बाद तो शिंसुके नाकामुरा एंड बिग ई जैसे सुपरस्टार्स हैं। सो मजा तो आएगा इस मैच में देखने में, एंड लाइव क्राउड होगा। सो भाई साहब और भी ज्यादा इसमें रिएक्शंस देखने में मजा आएगा कि भाई लाइव क्राउड का क्या रिएक्शन होने वाला है एंड कैसा रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल इस मैच में देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, एंड इस मैच का मतलब विनर कौन बनता है, इस मैच में जीतता कौन है, सो वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड आई वॉन्ट कि यहाँ पे केविन ओवेंस जीते एंड अपना मोमेंटम बनाए, एंड इसके बाद तो वो मनी इन द बैंक लैडर मैच भी जीत जाए। सो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। यहां पे देखते हैं फिर कौन जीतता है इस फैटल फोर वे मैच को। सो वेल नेक्स्ट वन थिंग की तरफ चलते हैं। वेल नेक्स्ट वन थिंग जो कि हमें हो सकता है कि बेसिकली स्मैकडाउन के मेन इवेंट में हमें ये मैच देखने को मिले, अगर कोई मतलब रिटर्न बड़ा रिटर्न हमें ना देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि ये हमें स्मैकडाउन के मेन इवेंट में देखने को मिले, और ये मैच जो कि होगा सिक्स मैन टैग टीम मैच, और ये सिक्स मैन टैग टीम मैच जो होगा हमें देखने को मिलेगा एज एंड उनके साथ में होंगे द मिस्टीरियोस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो, एंड उनका मैच हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस एंड उनके जो ब्रदर्स रहेंगे एजे उसो एंड जिमी उसो दी उसोस के साथ में। सो यहाँ पे ये हमें सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, एंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मैच हमें देखने को मिल सकता है, एंड ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। ये लाइव क्राउड के सामने है तो और भी ज़्यादा मजा आएगा देखने में, एंड यहाँ पे सिक्स मैन टैग टीम ओवरऑल देखते हैं इसमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। एंड मुझे लगता है कि नो डिस्क्वालिफिकेशन ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे हो सकता है कि लास्ट में हमें ब्रॉल देखने को मिल जाए एंड यहाँ पे सभी लोग आपस में भिड़ जाए, और हो सकता है कि इसके बाद हमें मनी इन द बैंक के लिए जो कि मैच भी बुक होते हुए दिखाई दे जाए, जो कि दी उसोस वर्सेस दी मिस्टीरियोस के बीच में स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। सो ये भी ओवरऑल देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड नेक्स्ट वन जो कि लास्ट वन थिंग हमें देखने को मिल सकता है, वेल तो यहाँ पे हमें कुछ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है, एंड ये होगा किसी सुपरस्टार का रिटर्न। वेल तो यहाँ पे साशा बैंक्स का भी हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है, फिन बैलर का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है, सीएम पंक का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है, एजे ली का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। सो देखना रहेगा कि यहाँ पे कौन सा सुपरस्टार, ऐसा कौन सा सुपरस्टार होता है जो हमें कल के स्मैकडाउन के अंदर रिटर्न देखने को मिलता है, एंड जो कि रिपोर्ट्स तो बहुत सारी आई हैं कि कल हमें कोई ना कोई बहुत ही बड़ा सुपरस्टार रिटर्न देखने को मिलेगा, एंड दो बड़े सुपरस्टार्स हिस्ट्री के जो कि मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। सो ये तो हिस्ट्री तभी बनेगा जब सीएम पंक एंड एजे ली जैसे सुपरस्टार हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाएंगे। सो देखते हैं फिर हमें कौन सा रिटर्न देखने को मिलता है, एंड हिस्ट्री का कौन सा ऐसा रिटर्न होता है जो सबसे बड़ा रिटर्न होता है। सो वेल आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आपको लोगों को क्या लगता है कि वो कौन सा ऐसा रिटर्न होगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो, एंड हाँ सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है, अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।